पूनम को भी मौका मिल गया खिलाने का, इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो बिल्कुल नीचे नहीं जा रहे थे बकरा वकरा देखने ना मिलने, तो बकरा घर पे आने की वजह से सोनम को भी मस्त मौका मिल गया अभी इसकी खिदमत करने का। तुमको भी चना खाना है, जाओ ना आप भी खिलाओ, इसमें से कोथमीर की डंडी लेके खिलाओ। हाँ खाता है वो, देखो मस्त चना वना खा रहा है, सीधा था पर ये लोग चना ज्यादा शौक से खाते हैं। मैं इसको कल से चना नहीं मिला, नहीं मैं खिलाई चना, खिलाए वहाँ पे भूसा और पत्ता है ना ज्यादा, बहुत चना खिलाई मैं इसको। हाँ गुड़ का पानी चना, गुड़ का पानी क्यों पिलाते हैं? देखो बकरा घर में आके मस्त सब खेलने लगे। ये आया तुमको डर नहीं लग रहा? नहीं, आएगा अभी नहीं ऐसा आंख में डालोगे तो डरती है, मैं तो मस्त लेके घूमती हूँ उसको। अच्छा नहीं 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 लेके घूमती है उसको, रस्सी लेके घूमती है। अरे कुछ नहीं हुआ, देखो देख रहा है कौन रो रहा है, तुमको ही देख रहा है। पूरा पैसा ले ले, कब कब खरीद रहे? ओवेज ना ओवेज, ओवेज एक बकरा पालने वाला है और अगले साल तक वो पाल के, ओवेज अभी मत चेंज करो, फाइनली उसको जब बंद कर दोगे तुम तब चेंज करो। अरे इसके कपड़ों में इतनी बुरी बास आ रही है ना, इसके अलग से कपड़े धुल रहे। बकरा तो उतना उसकी छुट्टी थी। हाँ हाँ ये सबसे अच्छा हो गया, पर नहीं कल सैटरडे को जाके आया, लेकिन आज भी संडे आ गया ना। हाँ पर कल सैटरडे को जाके आके फौरन, हाँ नहीं इतना ही कर पाता। हाँ कल स्कूल जाके फौरन आके बोलता है मेरे को बकरे के पास लेके चलो। बकरा और ओवे सेम सेम ही लग रहे हैं, दोनों सेम ही है। देखो अम्मी की कोथमीर मिर्ची सब उठा के उसको खिला रहे, खा रहे नहीं 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 जाओ जाओ खिलाओ खिलाओ। अरे मैं भी डरती हूँ भाई, मैं भी खाने का तो इसको सब चाहिए, खाता है वहाँ पे भी। वहाँ पे ना बिल्डिंग में एक लड़की क्या बोलती है, आंटी प्लीज तुम्हारा बकरा हटाओ ना, हम लोग की घास खा रहा है। आया जाओ खिलाओ, आप दो दिन रखे ना, जाओ चार घंटा बैठूंगी नीचे। आया जाओ ना अपने बिल्डिंग में, ऐसे तो प्यार में भी बकरा कोई ऊपर है साढ़े पाँच बजे भी नहीं मिला ना, फिर ये सुबह से लेकर नहीं उस दिन नहीं उसके नेक्स्ट डे जब ये सुबह से लेकर गया ना रात में फिर बस। पर ओवेज ने फुल मजे किया दो दिन, बहुत संभाला बहुत, उसकी हालत देखो दूसरा मेरे को छोटा सा बकरा लग रहा है वो। कल चलेंगे ना बिटू, कल जमा करने तो भी चलेगा ना। नहीं बेचारे के सामने मत ये सब बोलो, इन लोगों को समझता है ना। हाँ नहीं बोल, हम लोग के इधर तो कोई है वो तो सीधा वो क्या है जिससे कट करते, कोयता लेके घूम रहा है पूरे ग्राउंड में, पता नहीं क्या है वो लेके घूम रहा है सब, वही बोल रहे है बकरे के सामने नहीं लेके घूमने का। जाओ ना खिला जा, नहीं तो गाइस यहाँ पर बकरा बैठ चुका है और इतना चलाया है ओवेज ने। ए इतना क्यों चलाया तुम लोगों ने बकरे को, हाँ इतना क्यों चलाया, हाँ इसको बकरे ने चलाया है, इसको बकरे ने चलाया है, बकरे को इसने चलाया, हाँ उसको चलाया। और गाइस ये बकरा चलाते चलाते बकरा वाला ही हो गया है, इतना बास आ रही है। ए उठ वहाँ से, बहुत बास आ रही, उठ 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 वहाँ से, इसको भी घर के बाहर बांध दो अभी, इसको घर के बाहर बांध देना समझे ना, इसको अंदर लेके मत जाना। तो इसमें और बकरे में ज्यादा फर्क नहीं, बकरे की सी स्मेल इसमें से। ए रिजा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अम्मी देखो ये पढ़ता लिखता तो है नहीं है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दो बकरा खरीद लेता हूँ ओके, और इसको बोलता हूँ पालने के लिए है ना, बहुत कमाएगा ना। तो दो बकरा पाल लिया ना ओके, नेक्स्ट टाइम पांच फिर छह फिर दस, हाँ चलेगा पक्का, सोच लो अभी। हाँ पढ़ने का नहीं है, पढ़ने का नहीं है उसको, अगले साल फिर तुमको कुर्बानी के रंग सब तुम बकरे बेच सकते हो पाल पाल के, फिर मंडी में खाट पे सोते में मिलेगा अपने को जाएंगे। तो गाइस इन लोग की बात चल रही हो, इधर पापा इसको पानी पिला रहे हैं, हाँ पानी पिला रहे, तो तुम उठ क्यों जाती हो? अच्छा चलो बकरे को पप्पी कर लो, गाइस बकरा देखो ऐसी जगह बैठ गया है कि बाहर से कोई आ ही नहीं पा रहा है,
और भाईजन कब से आवाज दे रहे कि खोलो खोलो खोलो, मैं रुकी हूं लेकर, और मिसबा हटा रहे उसको कि उठ जा अब आने दे, भाईजन कब से बाहर वेट कर रहे, खोलो थोड़ी जगह बना लो, भाईजन खड़े बाहर। अच्छा भाईजन ओवन दिए थे, भाईजन गिरा हो गए, एक सेकंड नीचे बकरा बैठ गया है, वो बोल रहा है मैं जाऊंगा ही नहीं, उठ ही नहीं रहा, तो शायद भी है, आयत हेल्प करो हटाओ, ये उठा, चलो फाइनली उठ गया, अभी बकरा जा रहा है मिसबा के उधर, इंशाल्लाह हो जाएगी बेचारा, कल विदा हो जाएगा हम लोग से, क्यूटी पाई माशाल्लाह कितना प्यारा, ना इतना शांत हो गया, देखो क्या हुआ, इसकी आंखें कितनी प्यारी, बड़ी बड़ी सल्लू भाई के ऐसी मेरे बेटे की ऐसी यार, मेरे बेटे की भी आंखें प्यारी, आए ओवेस अपनी आईज तो देखा उल्टा क्यों हो गया तू, ये एकदम ओवेस और इसकी आंखें सेम सेम है ना बेटी, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों अपसेट हो रहे हो, गाइस बकरे ने देखो यहाँ पे क्या कर दिया घर में, सोनम का काम बढ़ा दिया और ऊपर से फैला भी आया उसको, जल्दी सोनम का काम बढ़ा दिया बेचारे ने, चलो अगर तुम क्लीन करो, तुम नहाने ही वाले हो ना, तुम कर दो, तो चलो गाइस बकरा फाइनली जा रहा है, लो पॉटी भी कर दिया इसने, ए बाउल भी रखा है वहां पे, ओ भाई ये क्या है, चना खा के चना निकाल जमा करेगा अभी वो, लेके जा लेके जा, अब लेके जा इसको थोड़ा बाहर, अभी आप बोल रहे हो कल चने का सालन बनाना, हां नहीं कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये, नहीं नहीं चलो अभी इसको क्लीन व्लीन करते हैं, और फाइनली बकरा अभी जा रहा है उधर पे, तो गाइस बकरे भी लिफ्ट में जाते हैं, देखो आजकल के बकरे सीढ़ियों से नहीं उतरना है, इसके पैर में दर्द है, टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना, तो जल्दी साटो भाई को लेके जाने दो, आप नीचे वेट करो वैसे हम लोग आते हैं, वो भी देख रहा है कितना नंबर दबा रहा है, बाय, भी कुछ बातें हो रही है खाने वाने के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, चलो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ बिल्लो की बातें तो खत्म ही नहीं होगी, हम लोग निकल गए और बकरा देखो ओवेस के साथ इतने अच्छे से मजे में जा रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि दो दिन से ओवेस ने उसको इतने अच्छे से संभाला कि वो उसको एकदम फॉलो कर रहा है, उसके हिसाब से ही चल रहा है, तो बकरा एकदम मस्त ओवेस को समझ के बराबर चल रहा है, बराबर उसके साथ वो कैसे जा रहा है। A few moments later. So guys, मैं आ चुकी हूँ घर पे, और घर पे आते ही इतनी जोरों की भूख लगी थी कि मैंने अपने लिए बना ली यहाँ पे एग राइस, और मेरे साथ आयत भी बैठ के खा रही है एग राइस, क्या हुआ बेटी खांसी क्यों आ रही है, और ओवेज अब भी बकरे के पीछे दीवाना है, वो नीचे ही है, उसको मैं कब से आवाज दे रही हूँ कि बकरे को छोड़ के आके खाना खा लो, पर वो मानने को तैयार नहीं है, इंशाल्लाह एक दिन की और बात है गाइज, फिर बकरा तो नेक्स्ट ईयर ही उसको देखने मिलेगा इंशाल्लाह, तो गाइज चलो फिर फटाफट से हम लोग अपना खाना खाते हैं, और जैसे ही ओवेज आता है उसकी हालत मैं आपको दिखाती हूँ, गाइज देखो यहाँ पे ओवेज आ गया है, और ओवेज जरा अपना हुलिया तो दिखाना, और जरा पीछे भी दिखा दो, ये देखो गाइज इसकी हालत, और ये हो गई है बकरे के पीछे इसकी ऐसी हालत, और इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है ना, ऐसा लग रहा है बकरा मेरे घर में घुस गया है कोई बकरा, तो प्लीज बकरा जी आप जाइए और अपने आप को अच्छे से फ्रेश कीजिए, इधर वॉशरूम में, सीधा वॉशरूम में, हाँ एक ही बार आता है साल में इसलिए इतनी छूट दी हूँ मैं तुमको, चलो तो गाइज ओवेस फ्रेश होके आता है फिर मिलाती हूँ ओवेस से। A few moments later. So guys, ओवेस गया है नहाने के लिए, और उसके लिए मैंने एग राइस रेडी करके ऑलरेडी रख चुकी हूँ, और रात बहुत हो चुकी है, इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो गाइज यहीं पे करते हैं प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग एंड, सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।